नमस्कार, आज हम लोग मेडिवर्सल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हैं और हमारे साथ ये डॉक्टर अमिताभ बंका जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, डीएनबी है, हमारे साथ पटना में मेडिवर्सल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमारे साथ हैं। नमस्कार। तो आज हम लोग डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो ये फ्लू का दौर चल रहा है सर, तो ये फ्लू है कि ये कोविड का एक फ्यूचर है, क्या है? देखिए, अभी जो है सर्दी जुकाम खांसी बुखार बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है और बड़ों में भी पाया जा रहा है। पर फॉर्चुनेटली अच्छी बात ये है कि ये अभी हमें कॉमन फ्लू ही लग रहा है। जितने पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, जो उनका हम कोविड टेस्ट भी कराते हैं, वो नेगेटिव आता है। और अगर आप डेटा भी देखें तो कोविड के एक्टिव केसेस हमारे एक्टिव प्रदेश में बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। दस बारह केस आते हैं डेली। तो इसका मतलब हम यही मान लेते हैं कि अभी एक कॉमन फ्लू है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाए और कोविड के प्रति अपने प्रिकॉशन बंद करें। हमें प्रिकॉशन अभी भी रखें। और डॉक्टर साहब, हमें ये पूछना चाहेंगे, मेरा अगला सवाल ये होगा कि इसके बचाव के लिए हम लोगों को क्या क्या उपाय करना होगा? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि सडनली लॉकडाउन खुलने के बाद लोग बहुत फ्री हो गए हैं, कोविड के अप्रोप्रिएट मेजर बंद कर दिए हैं, बच्चे खेलना शुरू कर दिए हैं दूसरे बच्चों के साथ, इसीलिए शायद ये अचानक से बहुत ज़्यादा फायदे लगते हैं। तो सबसे पहला तो कोविड एप्रोप्रिएट मेजर अभी फॉलो करें, अभी बंद ना करें, मास्क लगाएं, जिनको सभी जुकाम के सिम्टम्स हैं इनको थोड़ा सा अलग रखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्लू का वैक्सीनेशन 6 महीने से ऊपर के सभी लोग, बच्चे या बूढ़े या जवान, सभी ले सकते हैं और हर में एक बार लेना पड़ता है, जो ज़रूर लें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बचाव जो आपका होगा वो फ्लू के वैक्सीन से ही होगा। धन्यवाद डॉक्टर बंका। तो आज इसी के साथ हम लोग ये कार्यक्रम खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी जो भी डॉक्टर साहब ने दी है ये आप लोगों के काम आए हैं। धन्यवाद।